आज हम बात करने वाले हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड शेयर की। इस शेयर के अंदर हमको अच्छी खासी तेजी के आसार देखने को मिल जाते हैं। शेयर के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से हम लगभग 50% तक रिटर्न मिनिमम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक ऐसा शेयर जो कि आपको शॉर्ट टर्म में 50% तक रिटर्न दे दे और आप प्रॉफिट लेके एग्जिट करना शुरू कर दो, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इतना ध्यान रखना, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। अगर आप इस कंपनी पूरी तरीके से रिलाइज कर ले तो इस कंपनी के टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को और फाइनेंशियल को, तभी इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना बेहतरीन रहने वाला है। तो आज हम इस कंपनी के टेक्निकल्स, फंडामेंटल, फाइनेंशियल तीनों को एनालाइज करने वाले हैं। कैसी है कंपनी देखने को मिल जाती है और कहां तक का जो टारगेट रहेगा इस शेयर का वो कैसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट गाइडलाइंस चैनल। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। अब हम आ चुके हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के टेक्निकल्स की ओर। सबसे पहले शेयर की बात करें तो ये शेयर 50 EMA, 200 EMA दोनों को ही क्रॉस कर चुका है। फिलहाल जो प्राइस है 272 का देखने को मिल जाता है और आज के दिन पर 0.13% तक एक इंक्रीमेंट देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करें इस कंपनी के गोल्डन क्रॉसओवर की, तो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, कैसे बनता है, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है, उसकी स्टडी आप मेरे नए चैनल पे SMG क्लासरूम से कर सकते हो। मैंने लेटेस्ट में एक वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप कैसे मूविंग एवरेज को स्टडी कर सकते हो। आखिर मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, तो आप उसको वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अगर इसके अंदर जो गोल्डन क्रॉस है उसके बाद इस शेयर के अंदर तेजी के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर शेयर में रिटेस्टिंग होती है तो 252 के रेट पर हो सकती है। यानी हम ये कहने वाले हैं कि अगर शेयर में गिरावट आती भी है तो इसका जो सपोर्ट रहेगा 252 पर रहने वाला है। तो इतना ध्यान रखना, बाई चांस अगर शेयर 272 से गिर के 252 पर भी आ जाता है आने वाले 3-4 दिनों के 5 दिनों के अंदर, तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि शेयर मैंने गलत खरीद लिया है, आपको बस होल्डिंग करना है टाइटली तरीके से। ये जो कंपनी क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है अपने पुराने समय के हिसाब से, इसका जो हाई है 375 तक का देखने को मिल जाता है। तो अभी के टाइम पर अगर इस कंपनी में 375 तक का टारगेट भी बना तो काफ़ी अच्छी रिटर्न इस कंपनी के द्वारा देखने को मिल सकती हैं। किसी समय पे शेयर 50-40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे लगभग 50 रुपये का इसका शेयर था, जो कि लगभग आपको 2013 का पीरियड देखने को मिल रहा होगा, और इसने जो हाई है 375 तक का बना दिया है। यानी हम कहें तो 50 के हिसाब से 6-7 गुना तक रिटर्न देखने को मिल जाती है, जो कि लगभग 7-8 सालों में बन जाती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने काफ़ी अच्छी रिटर्न इस इन्वेस्टर्स को दे दी है, जितने भी इन्वेस्टर्स शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। हाई वॉल्यूम इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। अभी लेटेस्ट में जो वॉल्यूम है 1.2 मिलियन तक का देखने को मिल जाता है। अगेन ये बात जरूर बोलूंगा, पूरी तरीके से स्टडी करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। जो कंपनी के टेक्निकल्स हैं वो गोल्डन देखने को मिल जाते हैं, यानी जो तेजी के आसार हैं पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जो मोमेंटम रहेगा कंपनी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रहने वाला है। इस कंपनी की गिरावट का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अगर गिरावट आती है तो 250 तक के लेवल पर, यानी 252 के लेवल पर आ सकती है। उसके बाद से गिरावट आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, बट अगर इसमें गिरावट आती भी तो 252 लास्ट रह सकता है। अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें रिटेस्टिंग की जाए तो लगभग इस वाले पॉइंट पर रह सकती है, यानी 238-240 तक का आपको रेट ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको इसमें होल्डिंग करनी पड़ेगी टाइटली अगर इससे गिरता भी है तो। लेकिन अगेन इन्वेस्टमेंट आपको अपने रिस्क पर करनी है। जब तक आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। समय देना पड़ेगा इस कंपनी को, इतना ध्यान रखना है। ये जरूर है कि शेयर आपको 2-4 दिन ले लेगा साइडवे जोन में चलता हुआ, लेकिन जब तेजी बनेगी एक साथ से शेयर भागना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ इस कंपनी के द्वारा देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की और फाइनेंशियल्स की, क्योंकि अगर लंबे समय तक के लिए होल्डिंग करना है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो आप देखोगे ये एक पब्लिक कंपनी दिखाई दी जाती है, फर्दर गवर्नमेंट कंपनी भी हम इसको कह सकते हैं, और ये गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी दिखाई दे जाती है। इस कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो देखो कि ट्रांसमिशन ऑफ पाइपलाइन, तो नेचुरल गैस पाइपलाइन का ये कंपनी ट्रांसमिशन करती हुई दिखाई दे जाती है। और इस कंपनी का बाकी का बिजनेस देखें तो बिजनेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के साथ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू विंड मिल्स, तो ये सारा कंपनी का काम दिखाई दे जाता है। तो तीन काम कंपनी को दिखाई दे जाती है। जो मेन काम है इस कंपनी का ट्रांसमिशन का, जो कि पाइपलाइन ट्रांसमिशन करती है एक कंपनी, गैस की पाइपलाइन जो होती है उनका काम करती हुई दिखाई दे जाती है। गवर्नमेंट कंपनी, इतना ध्यान रखना, हाई वॉल्यूम इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। NSE BSE दोनों में ही लिस्टेड है। 15,000 करोड़ तक का कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन है। तो अभी के टाइम पर मिड कैप कंपनी है, तो ये भी हम कह सकते हैं अगर तेजी बनेगी भी तो काफ़ी अच्छी बन सकती है, बेहतरीन तरीके से बन सकती है। प्राइस जो चला हुआ 272 का, वो अंडर वैल्यूड देखने को मिल जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट के लायक देखने को मिल जाता है। तो जो इन्वेस्टर इस प्राइस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है या फिर करने की सोच रहा है, ये जो प्राइस पॉइंट है सस्ता देखने को मिल जाता है। ROE कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी आने वाले समय के अंदर स्प्लिट देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। उसके बाद अगर बात करें कि सेल्स ग्रोथ की, तो 5 साल में 25% तक की है, 10 साल में 32% तक की देखने को मिल जाती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो लगभग 7% तक का कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और EPS है कंपनी का 29-30 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो इसका इंटू करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो
तो आपको मैं बता दूं, अगर आप एक ऐसी कंपनी चूज़ करते हो जो कि आपको थोड़ा थोड़ा करके डिविडेंड देती रहती है, तो वो आपकी चॉइस बहुत बेटर है, बहुत अच्छी चॉइस आपकी देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर बात है इस कंपनी के कर्जे की, तो कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। 344 करोड़ तक का कर्जा रखा हुआ है और रिजर्व देखो कि 8,000 करोड़ तक का, और 15,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये कि कंपनी पे कर्जा नहीं है। 0.04 का इस कंपनी का डेट टू इक्विटी देखने को मिल जाता है। प्लस परसेंटेज 0 देखने को मिल जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग 37.6% तक की यहाँ पर आ जाती है। इंडस्ट्री पे भी अभी स्टॉक पे से ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो ये भी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। कंपनी का OPM देखो कि 17% तक है, बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, उम्दा देखने को मिल जाता है। कंपनी का PO रेशियो 7 का देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एक कंपनी का PEG रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ इक्विटी है 50 करोड़, तो इन फ्यूचर में ये कंपनी का डिविडेंड और बोनस देती रहती है, प्लस उसी के साथ स्प्लिट भी करती है, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। आपको इस कंपनी के अंदर स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर लेना ठीक रहेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन देखो अपनी मर्जी से करना है, रिस्क अपने काम पर लेना है, अपने आप रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं बस आपको सिर्फ कंपनी के एजुकेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, कंपनी के डाटा को शो करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना अपने रिस्क पर है। सेल्स की अगर बात करें तो किसी समय 1500 करोड़ तक की कंपनी की सेल थी, जो कि आज 4,000-5,000 करोड़ तक की देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जनरेट करती है कंपनी। देखो पहले कंपनी लगभग 25-35% तक का ऑपरेटिंग जनरेट कर रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी के टाइम पर लगभग 18-23% तक का दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट की अगर बात है इस कंपनी की, तो देखो कि यहाँ पर लेटेस्ट में जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 621 करोड़ तक का देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 513 करोड़ का था। अगर क्वार्टर वन की बात करें 648 करोड़ का, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 728 करोड़ का था। अगर और से पहले बात करें 640 करोड़ का, और डिफरेंस है 578 तक का, 350 और 650। फिर अगर 513 के बाद देखें 716, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा ही अर्न कर पाती है, अक्सर जो कंपनी का रेंज है वो ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको इस कंपनी में लंबे समय तक के लिए होल्डिंग की जा सकती है, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लंबे समय में ज़्यादा अच्छा रिकवर कर रहा है। शॉर्ट टर्म में तो ऐसे चल रहा है ऊपर नीचे, लेकिन अगर लंबे समय में होल्डिंग की जाए तो बेहतरीन देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली के हिसाब से बात करें तो 417 करोड़ से बढ़ के आज लगभग देखो 2200 करोड़ हो जाता है, और ओवरऑल हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लंबे समय तक के लिए होल्डिंग इस कंपनी के अंदर करना ठीक रहेगा। लगभग 5 साल जो आपका रहेगा मिनिमम साल रहेगा, और 10 साल आपका एकदम रह सकता है कि 10 साल तक होल्डिंग कर सकते हो। थोड़ा आगे अगर बढ़ोगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो आप काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ TTM में 40% तक की है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट का रिव्यू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर कैपिटल 564 करोड़ तक यानी लगभग देखें, और जो कंपनी का रिजर्व है 8,000 करोड़ तक का दिखाई दे जाता है, जो कि लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी रिजर्व अच्छी तरीके से मेंटेन करती हुई दिखाई दे रही है। किसी समय पे जो कंपनी की कर्जा था लगभग देखो 2,000-3,000 करोड़ का था, जो कि कंपनी ने खत्म कर लिया है। देखो 344 करोड़ तक का रह गया है, और किसी जगह 5,000 और 4,500 तक का देखने को मिल रहा था, और लगातार कंपनी इसको खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे अगर बढ़ोगे तो कंपनी के अदर लाइबिलिटीज़ में देखोगे, जो कंपनी के ट्रेड पेबल हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, 495 करोड़ देखने को मिल जाते हैं। यानी जो पैसा कंपनी को देना है वो इतना खास ज़्यादा देना नहीं है, ये भी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात की कंपनी के फिक्स असेट्स की, तो 10,000 करोड़ तक देखने को मिल जाती है, जो कि लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी समय पर 3,000 करोड़ की थी, आज 10,000 करोड़ हो जाती हैं। अदर असेट्स में जाके बात करें इस कंपनी के, देखो यहाँ पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 947 करोड़ तक का देखने को मिल जाता है, तो ये भी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर आ जाती हैं। कंपनी के रेशियोज़ की अगर बात करें तो डेटर डेज जो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में पैसा रखा हुआ था वो ज़्यादा वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे अगर चलोगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 37.63% तक की दिखाई दे जाती है, जो कि कॉन्स्टेंट देखने को मिल जाती है। लगातार वो इसी रेंज पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर। प्रमोटर्स के अंदर आ जाते हैं इस कंपनी के गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इस कंपनी के प्रमोटर यानी हम कहते हैं इसके पेटेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, और ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी मिल जाती है। थोड़ा आगे अगर बढ़ोगे तो FII देखें लगभग 17.31% तक की हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए, और जो कि किसी समय 15% तक की हिस्सेदारी इनकी देखने को मिल रही थी। थोड़ा आगे अगर चलोगे तो DII देखोगे आप लगभग यहाँ पर 24% तक की हिस्सेदारी DII की देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लगभग 11% तक की हिस्सेदारी थी उनकी, जो कि आज 2% तक की हो जाती है। अब आपको बेसिक पॉइंट समझाता हूँ। जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि प्रमोटर्स, FII और DII, ये टोटल 80% तक की हिस्सेदारी इस कंपनी की होल्ड करके बैठे हुए हैं। बाकी की जो 20% तक की हिस्सेदारी वो पब्लिक के पास देखने को मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं अभी भी जो मेजोरिटी स्टेक है वो प्रमोटर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं बाकी के इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है
वो ठीक ठाक दिखाई दे जाता है। अक्सर ये सोच रहे होंगे इन्वेस्टर्स कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 37% तक कि, तो ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसके बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं वो FI और DI काफ़ी हद तक देखने को मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब तक ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि ये निकल के भाग रहे हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो नेगेटिव पॉइंट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेजोरिटी स्टेक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स FI, DI और प्रमोटर्स के पास देखने को मिल जाते हैं और थोड़ी सी हिस्सेदारी जो है पब्लिक के पास देखने को मिल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात जनरेट नहीं होती है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो खुद से एक बार एनालाइज कर लेना है, पूरी तरीके से समझ समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, समझ के एक बार जितना हो सके खुद से एनालाइज कर लेना ठीक रहेगा। अगर आप इस कंपनी में एक्सपेरिमेंट बेस पे काम करना चाहते हो कि 1,000, 2,000, 5,000 रुपये लगा दिए और वो पड़े रहेंगे, अगर नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 साल तक होल्ड कर लेंगे, 5 साल तक होल्ड कर लेंगे, अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर पूरी तरीके से श्योर है कि शेयर बढ़ेगा, अगर आपको भी लगता है जो हम मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस कंपनी के अंदर स्टडी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, राधे राधे।